दोस्तों, राजस्थान में जब से सचिन पायलट ने अपने बगावती तेवर दिखाए हैं 2020 में, उसके बाद से राजस्थान कांग्रेस को एक तरफ से अगर जोड़ो तो दूसरी तरफ से बिखरने लगती है। दोस्तों, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की उस बगावत के बाद राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को तो बना दिया, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की बात बनते नहीं बन रही है। नमस्कार, मैं अरविंद सुथार कागमाला आप सभी का द मरुभूमि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की सभी राजनीतिक खबरों पर अपनी सटक नज़र बनाए रखने के लिए आज ही द मरुभूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी राजस्थान की राजनीति के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में बगावत का कारण राजनीति के जानकार कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को मानते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा किस प्रकार एक अध्यक्ष के तौर पर फेल हुए, किस प्रकार गोविंद सिंह डोटासरा अपनी भूमिका नहीं निभा पाए राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए। दोस्तों, अगर सबसे पहला कारण आपको बताऊं तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के सर्वे सर्वा अशोक गहलोत खुद को मानते हैं। दोस्तों, 2020 के घटनाक्रम से तो आप सभी परिचित ही होंगे। दोस्तों, जब 2020 में राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता यह समझ चुका था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह चाहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के पत्ता भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हिले। इसलिए तो गहलोत साहब ने गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस चीफ बनाया था, क्योंकि जब भी अशोक गहलोत इशारा करेंगे उनका काम हो जाएगा और जब तक अशोक गहलोत नहीं साएंगे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, गोविंद सिंह डोटासरा के एक अध्यक्ष के तौर पर फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है उन पर लगे व्यक्तिगत आरोप। दोस्तों, वैसे तो आप सब परिचित होंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा पर किस प्रकार से व्यक्तिगत आरोप पिछले कुछ समय से लगते आ रहे हैं। दोस्तों, RAS भर्ती में अपने परिजनों को फायदा पहुंचाने के साथ साथ रीट SI जैसी भर्ती परीक्षाओं में गोविंद सिंह डोटासरा पर कहीं गंभीर आरोप लग चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में सीकर के एक किसान ने गोविंद सिंह डोटासरा पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया है। तो दोस्तों, हम इन व्यक्तिगत कारणों को गोविंद सिंह डोटासरा के फेलियर का एक महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो जो राजस्थान कांग्रेस है वह गोविंद सिंह डोटासरा के आने के बाद कमज़ोर पड़ी है, संगठन कमज़ोर पड़ा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि राजस्थान में वर्तमान में सिर्फ 13 ही जिला अध्यक्ष बना पाए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। जब गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष है और उनके साथ अगर ऐसा होता है, उनके कार्यकाल में अगर ऐसा होता है कि राजस्थान में सिर्फ 13 जिलों में ही कांग्रेस अपने जिलाध्यक्ष बना पाती है तो यह संगठन के लिए बहुत ही बुरी बात है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा के काल में राजस्थान कांग्रेस संगठन कमज़ोर पड़ा है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा फ्री हैंड नहीं है। दोस्तों, अगर गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी बदलाव करना है तो उन्हें हाईकमान के इशारे का इंतज़ार करना पड़ेगा, अशोक गहलोत के इशारों का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपसे साफ साफ कहूं तो गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस पद पर रहते हुए भी, यानी कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी फ्री हैंड नहीं है, मतलब कि वो अपनी इच्छा से अपने पद का इस्तेमाल करके राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव सिर्फ तभी होगा जब अशोक गहलोत चाहेंगे, कांग्रेस हाईकमान चाहेगा। साफ साफ बोलूँ तो फ्री हैंड नहीं है। उसके लिए भी जो गोविंद सिंह डोटासरा है वह राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फेल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की जड़ें मजबूत है और BJP ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाकर इस बार एक बड़ा दाव खेला है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस को बचाने के लिए
अध्यक्ष बदलना जरूरी हो गया है, यूं कहूं तो उनकी मजबूरी हो गई है। वैसे तो दोस्तों राजस्थान कांग्रेस में अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं तेज हैं और इस चर्चाओं के बीच बीडी कल्ला पायलट जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको बताऊं कि 2018 में जो स्थिति थी वह स्थिति अगर कांग्रेस को फिर से बनानी है तो राजस्थान अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट को लाना मजबूरी हो गया है, जरूरत हो गया है। दोस्तों अगर सचिन पायलट को फिर से राजस्थान कांग्रेस की कमान दी जाएगी तो ही शायद राजस्थान पिछली स्थिति में वापस आ सके, वरना वर्तमान में तो राजस्थान का ऐसा हालत है कि अगर एक तरफ से जोड़ो तो दूसरी तरफ से बिखरने लगती है। दोस्तों एकमात्र ऑप्शन बसा है राजस्थान कांग्रेस के पास, तो वह है सचिन पायलट। मुझे जहां तक लग रहा है तो जल्द ही राजस्थान में एक बार फिर से मंत्रिमंडल फेरबदल होगा और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट को बिठाया जाएगा और हो सकता है 2023 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा भी सचिन पायलट को बनाया जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी इसी प्रकार की और वीडियोस आपके सामने आएगी, उन्हें देखने के लिए बस आप द मरुभूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन होगा उसे दबा दीजिए, बेल पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आएगी वो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों जल्द ही इस विषय पर और वीडियोस लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।